45 GB डेटा पैक, अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल, मतलब इंडिया में अनलिमिटेड कॉलिंग है और यहाँ पे यहाँ की कॉलिंग भी अनलिमिटेड है। सो आज ब्रिस्बेन में बहुत ही अच्छा वेदर है, ब्रिस्बेन नहीं केडरन, बिकॉज मैं केडरन में रहता हूँ। तो आज अच्छा वेदर है, तो आज पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगा पास्ता, बिकॉज बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ। सो ये इतना छोटा सा है ऑलिव ऑयल, बिकॉज हैशटैग हेल्दी, तो ये वेजिटेबल्स है वो फ्राई करूँगा, और एक्सपेंसिव ऑलिव ऑयल, तो ये छोटा सा मुझे, मतलब ये कुछ कितने पैक्स है, 3-4 पैक्स मिले थे उसमें, तो ये कुछ $2 या $3 के मिले थे, इसलिए मैंने ले लिया। सो आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइट्स आ रही है वैसे। सो लास्ट वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भैया आप कंप्यूटर डेस्क पे कॉफ़ी मत पियो, सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न, और भैया सुन रहे तुम्हारी, तो इसलिए अभी मैं आज नॉर्मल जो अपना डेस्क है, नहीं डेस्क क्या बोल रहा हूँ, अपना जो कॉफ़ी टेबल है वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। सो एनी वे, वेलकम बैक टू माई चैनल, और नए व्लॉग में स्वागत है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे, और ये वीडियो आप देख रहे होंगे प्रॉब्ली संडे, नहीं संडे नहीं आज ही मैं एडिट करूँगा, बिकॉज अभी नया सेटअप आया और जो न्यू सेटअप है मेरा इतना स्मूथ वर्क हो रहा है, और अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो लास्ट ये वीक में मैंने अब तक 4 या 5 वीडियो अपलोड किया, आई थिंक 4 वीडियो अपलोड किया, एक वीडियो अपलोड करने रखा था बट रात को वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, कुछ एरर था। सो आई एम गोइंग ऑन ट्रैक, और ये 5th वीडियो है ये वीक का, प्रोबेबली कल संडे है तो कल भी एक इन्फॉर्मेशनल सीरीज का वीडियो आएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एज ए स्टूडेंट यहाँ पे कितना लिविंग एक्सपेंसेस है मंथली, तो आज सब कुछ कैलकुलेट करूंगा, तो प्रोबेबली अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में आने का प्लान कर रहा है तो उसको आइडिया आ जाएगा कि ओके इतना इतना एक्सपेंसेस है। तो आज सब कुछ बात करेंगे, बट उसके पहले घर पे और एक नई चीज आई है वो बताता हूँ। अगर आपने नोटिस किया तो ये चेयर मेरी न्यू है, न्यू मतलब ये मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से ली है, वो मेरी ओल्ड चेयर है। प्रॉब्लम वो है कि इसका ना एडजस्टेबल वर्क नहीं हो रहा है, तो जो हाइट एडजस्टेबल होता है वो हो रहा नहीं है, मतलब वो पता नहीं वो वर्क नहीं कर रहा है, अगर मैं उसको ऊपर भी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली। और ये न्यू चेयर मुझे जस्ट $15 में मिली है, और मतलब एज यूजुअल मार्केट प्लेस, और वो जो बंदा था वो डिलीवर करके गया घर पे, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुझे ऐसे अच्छी डील्स मिलती है, तो मतलब अभी ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया। और अभी और एक अच्छी चीज़ लेने जानी है, सो और एक इंटरेस्टिंग चीज़, और आज अपना इंडिपेंडेंस डे, 74th इंडिपेंडेंस डे, सो यहाँ पे ब्रिस्बेन में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं पता बट ब्रिस्बेन में सेलिब्रेट होता है, तो सेलिब्रेट इन द सेंस यहाँ पे लाइट शो होता है सिटी में। सो आज मुझे पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरा इवनिंग को जॉब है, जो लोग इतने टाइम से व्लॉग्स देख रहे थे उनको पता होगा कि मेरा संडे को शिफ्ट्स होते हैं, तो इवनिंग शिफ्ट्स है, तो आज भी पॉसिबल नहीं है, फिर कल भी पॉसिबल नहीं, आई थिंक 2 दिन है, मतलब आज है और कल भी है, तो पॉसिबल नहीं है, बट मेरे पास अगर वीडियो है तो मैं डेफिनेटली मेरे व्लॉग के थ्रू शेयर करूंगा। सो अभी आप वो वीडियो देखो, तब तक मैं अपनी साइकिल निकालता हूँ। सो अभी आप जो टाइटल पढ़ के आए हो कि मैं मंथली एक्सपेंस इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके बारे में जरा बात करना चाहूंगा मैं। सो सबसे पहले मैं रेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा, बिकॉज रेंट थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंसिव है। सो मैं रह रहा हूँ वो 2 BHK अपार्टमेंट है, और उसका रेंट है $320 ओवरऑल अपार्टमेंट का, सो वो स्प्लिट होता है, बट मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँगा, बिकॉज एज ए न्यू स्टूडेंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो और स्टार्टिंग में और किसी के घर पर रहते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है, ओके, अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी रूम की, पर्सनल रूम की जो कॉस्ट होती है वो $150 होती है, उसमें आपका वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड होता है। ये इससे भी लेस हो सकती है, मतलब $100 भी हो सकता है, बट मैंने ऑन एन एवरेज पकड़ा है। सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ये वीकली $150, सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इनटू 4, दैट विल बी $600 मंथली। ये आपका अप्रॉक्स रेंट है यहाँ पे 1 मंथ का, ये इससे भी लेस हो सकता है अगर आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, और अगर आप किसी और के घर पर रह रहे हो जो आपको और चीप में दे रहा है, मतलब $100 दे रहा है, या फिर आप सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 20-30 किलोमीटर्स, मतलब आप फार रह रहे हो सिटी से, तो आपका रेंट थोड़ा कम
हो सकता है, बट ये ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप रूम शेयरिंग करते हो किसी और के साथ तो आपका और भी मतलब और भी लेस हो सकता है, प्रोबेबली $80 या फिर $90, सो इट्स डिपेंड, बट ऑन एन एवरेज $150 अ वीक, और मंथली कैलकुलेट करो तो $600 अ वीक ये आपका एक्सपेंसेस है रूम के लिए। सो अभी बाकी की बातें चल के करते हैं, बिकॉज मुझे स्पीकर लेने जाना है। सो यहाँ से 5 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 किलोमीटर, सो मतलब अभी ये माउंट करता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ मैं थ्रू ये GoPro, नहीं सॉरी मेरा प्यारा GoPro, ये बराबर। सो यहाँ से मुझे जाना है स्टैफर्ड, मतलब ये स्टैफर्ड ही है बाय द वे, यहाँ से कुछ फोर नहीं जो भी है वो। सो हाँ, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो एज अ स्टूडेंट या फिर कोई भी वीज़ा पे, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करो, स्ट्रिक्टली, बिकॉज अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फाइन आता है। मेरे फ्रेंड के साथ सीन हुआ एक, सो यहाँ पे जोन्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे 60 का जोन था, सो उसका जो स्पीड था वो 65 या 70, उसके मतलब फ़ोटो में सब कुछ आया, सो उसका स्पीड था 65 एंड उसको जो टिकट आया मतलब उसको जो फ़ाइन आया वो $250 या $200 का उसको फ़ाइन आया, जस्ट बिकॉज उसका वो स्पीड जोन में ज़्यादा स्पीड था, मतलब वो भी 60 के जोन में 65 का स्पीड था, सो दैट इज़ द रीज़न ही गॉट $200 टिकट। तो समझ रहे हो ना, मतलब इसलिए बेटर है कि यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बिकॉज़ यहाँ पे हर जगह कैमरे होते हैं, हर जगह स्पीड कैमरे होते हैं, हर जगह मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिग्नल पे कैमरे होते हैं। सो अभी सेकेंड चीज, ओ वाह हमर नाइस, अरे यार मैं अभी गिरता। हाँ सो अभी सेकेंड चीज़, रेंट तो एक्सप्लेन कर दिया, तो अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आपको डेली कम्यूटिंग करनी है, मतलब जैसे आपको ऑफिस जाना है या फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना है, सो आपके बस या फिर ट्रेन जो गो कार्ड आप यूज़ करते हो यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज उसके कितने एक्सपेंस होते हैं, एक मिनट, हाँ पीछे से जा सकता हूँ मैं। तो अभी जब आप यहाँ पे आते हो, सो ऑन एन एवरेज ये मैं मंथली कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी होती है जस्ट 2 या 3 डेज, डिपेंड ऑन योर लेक्चर्स एंड योर सब्जेक्ट्स, बट ऑन एन एवरेज 3 डेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और अगर आप जॉब पे जा रहे हो कहाँ पे, अगर आपके पास कार नहीं है, मैं कार का एक्सपेंसेस बाद में बताऊँगा। सो ऑन एन एवरेज आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग में होता है वो है $100। Am I going right? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो $100 मंथली कैलकुलेट करो, बिकॉज वीकली $25 तो गो कार्ट में जाते ही है ईजिली। अभी फिलहाल लॉकडाउन है, मैं घर पे से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, सो इतने मतलब मेरे तो फिलहाल तो पैसे नहीं जा रहे, माइनस नहीं हो रहे। सो अभी यहाँ से कुछ 500 या 600 मीटर्स ही है, सो यहाँ से मतलब बहुत हिल पे आया हूँ मैं। GoPro की बैटरी चेंज करता हूँ, बिकॉज कुछ 5% या 10% ही है, तो चेंज कर लेता हूँ बैटरी। सो इसमें 80% बैटरी है, तो और बाकी के 2 बैटरीज ऑलमोस्ट मतलब मैं चार्ज करना भूल गया, टोटल 3 बैटरीज चार्ज करने, अभी जस्ट ये 80% बैटरी है। अभी जस्ट मैं अपने बिल्डिंग में पहुंचा हूँ एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, मतलब थोड़े टाइम पहले इतना सनी वेदर था और अभी मतलब वापस इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने बोला ना कि यहाँ पे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट रहता है, और मतलब GoPro सही सलामत है, वैसे भी GoPro जो है वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, ये 8 आई थिंक 6 तक जो GoPros थे उनके अलग से केस आता था, तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, बट मैंने शूट नहीं किया, मैं फटफट घर पे आया, नहीं तो फिर स्पीकर ख़राब हो जाता अगर ये बिक जाता तो। तो अभी बारिश बंद हो गई है, थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी और अभी कम्प्लीटली बारिश बंद है, चलता है ऐसे ही चलता है।
और ये स्पीकर, मतलब ये पहले स्पीकर में सेटअप करता हूँ, और फिर कौन सा पॉइंट बाकी था, रेंट हो गया, उसके बाद फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, हाँ सिम कार्ड का कितना एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे, और ऑन एन एवरेज कितने को, मतलब आपका जो डेटा पैक होता है उसकी प्राइस क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है वो बता दो। पहले ये स्पीकर का सेटअप करता हूँ और फिर आप लोग को बता दो। लॉजिटेक का स्पीकर Z313 ये मॉडल नंबर है, अगर आपको गूगल करना है तो कर सकते हो। 2.1 मतलब एक सब वूफर है और दो नॉर्मल स्पीकर है छोटे, ट्विटर स्पीकर जो भी है वो, तो उसने ये हार्डली यूज किया था वो बोल रहा था। सो इट लुक्स न्यू बिकॉज बॉक्स में भी है। ये कितने पड़ा मुझे, $45, सो इट्स अ ओके डील। की ओरिजिनल प्राइस है, कितना प्राइस है ओरिजिनल, $80 या $90 है, एंड आई गॉट इट फॉर $45। तो ये दो स्पीकर्स है इसमें, तो इसको मतलब क्लीन करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा डस्ट है इसमें, प्रॉब्ली उसने कभी यूज़ नहीं किए है, पता नहीं। सो वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, सो इसलिए मैं फ़ोन में टेस्ट कर रहा हूँ, सॉन्ग प्ले किया है। सो ऑलमोस्ट मैंने कौन से रेंट मैंने बता दिया जो $600 मंथली ऑन एन एवरेज, उसके बाद फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो है $100 मंथली, 700 और 200 किसके कैलकुलेट किए थे, हाँ ग्रॉसरीज मैंने 200 कैलकुलेट किए थे, सो टोटल कितने हो गए 900, सॉरी बैड इन मैथ्स, दैट इज़ द रीज़न आई गॉट ड्रॉप। अभी डेटा पैक ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा एक्सपेंसिव है, मतलब अपने इंडिया में बहुत चीप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेज़ सिम का, जिसमें $30 में पे करता हूँ, आई गेट 45 GB डेटा पैक, अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉल, मतलब इंडिया में अनलिमिटेड कॉलिंग है, यहाँ की कॉलिंग भी अनलिमिटेड है। अगर मैं $20 का पैक लेता हूँ तो उसमें कुछ मुझे 5 GB मिलता, मतलब यहाँ पे वोडाफोन है, ऑप्टस है, लिबारा है, अमेज़ सिम है, ये सब मैंने कंपेयर किया था, उसके बाद मैंने अमेज़ सिम लिया। सो मैं $30 का पैक यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे 45 GB मिलता है, सो कितने हो गए 900 प्लस आपके एवरेज $30 फॉर अ डेटा पैक। ऑफकोर्स आप अगर ट्रैवलिंग करते हो देन यू नीड अ डेटा पैक, सो $930 हो गए, और बाकी के $70 अदर्स में इंक्लूड कर लो, जैसे आप अगर कभी बाहर जा रहे हो खाने, अगर वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार, ऑन एन एवरेज आप $1000 कंसिडर करो, ये आपका मंथली एक्सपेंसेस है एज अ स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सो इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट मत करो बिकॉज आप खुद डिसअपॉइंट हो जाओगे क्योंकि वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट ट्रस्ट मी गाइज यहाँ पे अगर आपको पार्ट टाइम जॉब लगता है तो आप थोड़े पैसे सेव भी कर सकते हो, और ज़्यादा टेंशन मत लो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो जॉब कैसे मिलेगा, प्रॉब्ली 1 or 2 months में आपको जॉब मिल जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो, और कैसे अप्लाई वगैरह करना है सब कुछ मैं मेरे न्यू सीरीज में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो है हाउ मच यू कैन अर्न इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो यहाँ का तो आई बटन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो ऑन एन एवरेज $1000 अगर आपके और शौक है, अगर आपको वीकेंड पे घूमना पसंद है, आप यूजुअली अगर आपको आउटिंग्स जाना है तो वो जो प्राइस होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, अप्रॉक्सीमेटली $1200 अ मंथ ये आपका हो सकता है। आप अमीर हो तो आप पैसे उड़ा सकते हो, इट्स ओके, बट ऑन एन एवरेज $1000 ये आपके मंथली एक्सपेंसेस है यहाँ पे। तो अगर आप प्रॉपर सेव करते हो बिकॉज आप वीकली 400 से लेके $500 अर्न कर सकते हो यहाँ पे इजीली, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो आप अगर $200 ऑन एन एवरेज सेव कर सकते हो, सो मंथली $800 ये एवरेज बोल रहा हूँ मैं, लेट्स कंसिडर $500, तो आप आपका जो EMI वगैरह स्टूडेंट लोन का वो आप इंडिया में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, और ऑफकोर्स पूरा टेंशन घर वालों को मत दो, खुद भी आप कर सकते हो अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। अगर आप अमीर हो देन इट्स ओके, आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ की लाइफ। सो बस ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, सो शॉर्ट एंड सिंपल यहाँ पे आपके $1000 एक्सपेंसेस है, और अभी ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ बिकॉज मुझे ये व्लॉग एडिट करना है, बट प्रॉब्ली नहीं एडिट होगा बिकॉज वाईफाई, बाजू वाले का वाईफाई वर्क नहीं कर रहा इसलिए। सो ठीक है, मैंने प्लान किया था कि मैं ये वीक में 7 videos डालूंगा, 7 videos नहीं पॉसिबल हुए, ये 5th video है, मैंने ट्राई किया, बट नेक्स्ट वीक होगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत ही अमेजिंग कमेंट्स करते हो आप, मजा आता है पढ़ने के लिए, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और बस तुम्हारा भाई बहुत सारे वीडियोस लाने वाला है न्यू इन्फॉर्मेशनल सीरीज पे, अभी जल्दी मेरे वेकेशन हो गए तो स्टार्ट करता हूँ मैं जल्दी, ये संडे को प्रोबेबली 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वीडियो आएगा। सो That's it. मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। बाय।